राजधानी जयपुर में तीज पर्व के अवसर पर जयपुर वासियों में इस बार खास उत्साह देखने को मिला। जयपुर में कोरोना के कारण 2 साल तक तीज माता की सवारी नहीं निकाली गई थी, जिसके बाद रविवार को सिटी पैलेस के जनानी ड्यूटी से चांदी की पालकी पर सवार होकर तीज माता की सवारी निकाली गई। तीज माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान तीज माता की सवारी में 150 लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरी। सिटी पैलेस के जनानी ड्यूटी में पूजा अर्चना के बाद तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से होते हुए रवाना हुई। कोरोना के 2 साल बाद शाही ठाट बाट के साथ तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से बाहर निकली। जनसमूह तीज माता के जयकारे में सराबोर नजर आया। लोग तीज माता की सवारी को देखने के लिए उत्साहित दिखे। सूख लाल परिधान में कीमती आभूषणों से सजी तीज माता चांदी की पालकी में विराजमान थी। लोगों ने तीज माता के दर्शन कर पुष्प बरसाए और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। इस बार खास तौर से मयूर नृत्य और तेरह ताली नृत्य को पहली बार तीज सवारी में शामिल किया गया। तीज माता की सवारी देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरवासी पहुंचे। इस बार लोगों में भी काफी उत्साह नजर आया। हर कोई तीज माता के दर्शन करने को आतुर नजर आया। पर्यटन विभाग की तरफ से वीआईपी और विदेशी मेहमानों के लिए त्रिपोलिया गेट के सामने ऊपर की तरफ बरामदे में बैठने की व्यवस्था की गई। वहीं आमजन के लिए नीचे सड़क की तरफ बैरिकेड्स लगाए गए। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। संवाददाता नेमीचंद की खास रिपोर्ट।